नहीं है तो बन जाओ, किस चीज का इंतजार है, चैनल को सब्सक्राइब करो, के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, ड्राई स्किन। ओके, वेलकम बैक टू ब्यूटी पेटल्स। आप सभी लोग कैसे, आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ एक बॉडी लोशन के बारे में। विंटर्स चल रही हैं, विंटर्स खत्म होने वाली हैं, विंटर्स बहुत ज्यादा माइल्ड हो गई हैं। ऐसी माइल्ड विंटर्स में हमें कौन सा बॉडी लोशन यूज करना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। जो प्रोडक्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बॉडी लोशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो आपने मेरे नायका हॉल में देखा होगा अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं पुराने। तो नहीं है तो बन जाओ, किस चीज का इंतजार है, चैनल को सब्सक्राइब करो इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। जो प्रोडक्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है V1 कंप्लीट मॉइस्चराइजिंग हैंड एंड बॉडी लोशन विथ 4 बेनिफिट फॉर्मूला। रिस्टोर मॉइस्चर, रिड्यूस स्किन ड्राइनेस, इंप्रूव स्किन इलास्टिसिटी, सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन। इसका जो वेट है वो है 1000 ml। 1000 ml मतलब 1 लीटर का ये प्रोडक्ट है। अगर आपकी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है ना तो ये वर्क नहीं करेगा। तो पहले ही क्लियर कर देती हूँ, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो वर्क नहीं करेगा। ड्राई है तो वर्क करेगा, नॉर्मल है तो वर्क करेगा, ऑयली है तो बिल्कुल वर्क करेगा, और कॉम्बिनेशन है तब भी वर्क करेगा। पूरी बॉडी पे अच्छे से लगाएं, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें, अपनी स्किन को हैप्पी हैप्पी बनाएं। ओवरऑल अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ऑयली और नॉर्मल स्किन के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। विंटर्स में भी ये सारी स्किन टाइप्स के लिए जाएगा। बस एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए बॉडी क्रीम्स अच्छी रहती हैं एज कम्पेयर टू बॉडी लोशन। बॉडी लोशन जो होते हैं वो नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट रहती हैं, तो इसलिए भी नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं ना, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग। बहुत ही माइल्ड और फ्रूटी स्मेल है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको इसका टेक्सचर दिखा दूँ तो इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा थिन है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत जल्दी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, और ऑयली स्किन के लिए ये फॉर्मूला इज जस्ट अमेजिंग। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फार्मूला है ऑयली स्किन के लिए। बट येस, आई कैन से 24 आवर्स तक तो ये आपको हाइड्रेशन नहीं प्रोवाइड करता। इसका हाइड्रेशन उतना ज़्यादा हाई नहीं है, बट समर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। पर विंटर्स में ये है कि आपको बार बार रीअप्लाई करना पड़ेगा। एक्सट्रीम विंटर्स में ये वर्क नहीं करता है, आपकी स्किन को उतना लंबे समय तक हाइड्रेट नहीं रखता है जितना ये क्लेम कर रहा है। मेरी स्किन ऑयली टाइप है, अब वो विंटर्स में नॉर्मल हो जाती है, स्टिल तभी ये मेरा स्किन को उतना ज़्यादा हाइड्रेट नहीं रखता जितना विंटर्स में एक लोशन को हाइड्रेट आपकी बॉडी को रखना चाहिए। तो विंटर एप्रोप्रिएट ये नहीं है, बट समर एप्रोप्रिएट है ये। समर में इट्स अ रियली वेरी गुड ऑप्शन। इसमें आपको ना ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत है, ना आपको चाहते कि आपकी स्किन ज़्यादा चिकनी और ऑयली लगे, तो उस टाइम पर ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और अगर इसकी MRP की बात करें तो इसकी जो MRP है 275 रुपीज़। इसकी सेल्फ लाइफ है वो है 3 ईयर्स तक, इसको 3 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। 275 रुपीज़ में 1 लीटर प्रोडक्ट इज समथिंग रियली वेरी अफोर्डेबल। डेफिनेटली नॉट फॉर ड्राई स्किन। ओके, ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिग नो नो। पर नॉर्मल एंड ऑयली स्किन इसको यूज कर सकती है, और समर्स में तो ये सारी स्किन टाइप को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इसकी रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 5 में से 4 रेटिंग देती हूँ, बिकॉज ये क्लेम करता है 24 आवर्स तक मॉइस्चराइज रखेगा आपके स्किन को, जो कि ये नहीं करता है। इसका मॉइस्चराइजेशन 4 से 5 घंटे तक ही रहता है, उसके बाद आपको इसको रीअप्लाई करना पड़ जाता है। और आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, डू शेयर विथ योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। चाहे तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ डेली टिप्स एंड रील्स शेयर करती रहती हूँ, तो मुझे वहाँ पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन, बाय गाइस, टेक केयर।